Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss some of the important grammatical questions or activities of 12 standards question bank. This question bank is provided by Maharashtra State Government. यस स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, उस क्वेश्चन बैंक में से कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. ओके, बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑलराइट, लेट्स गो. एज आई टोल्ड यू दैट क्वेश्चन बैंक which is provided by Maharashtra State Government. Let's see. Okay. आपके पैसेज में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, डू एज डायरेक्टेड, उसी में से कुछ क्वेश्चन. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. दिस सेंटेंस इज गिवन. अब इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू री राइट द गिवन सेंटेंस एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. हाउ टू चेंज द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं. अब देखिए, जब हम एक्सक्लेमेटरी करते हैं तो हम जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तक अंडरलाइन कीजिए. उस सेंटेंस में अगर वेरी, एक्सट्रीमली, सो इस वर्ड्स आते हैं तो उनको हम निकाल देते हैं. और सेंटेंस में ए और एन आते हैं तो सेंटेंस के आंसर की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वॉट से करते हैं, और नहीं होता है तो हाउ से. तो यहाँ पर ए आया है, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट होता है एंडिंग में लिखना है. व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और ये एंडिंग में इट वाज, और एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. सो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वाज, और यह भी व्हाट रिमार्केबल, यहाँ ए नहीं है. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next sentence, he spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowries shell. Choose correct alternative to rewrite the given sentence as a compound sentence. अब ये जो दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस है. व्हाट इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है. अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करने वाले, सिर्फ इसका क्वेश्चन और इसका आंसर्स हम देखेंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में एंड, बट, और का सेंटेंस होता है. तो डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे. ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड इज कंसिस्टेड. देखिए यहाँ पर एंड का यूज़ किया है, जहाँ पर विच का यूज़ किया था वो निकल कर एंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंट में एंड, बट, और का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी सेंटेंस इज गिवन. इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलेट. अब इस सेंटेंस में अनलेस का यूज़ करना है. एक्चुअली अनलेस का, इफ़ नॉट का यूज़ करने के लिए इफ़ नॉट निकाल कर अनलेस यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें नॉट नहीं, इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस में नॉट का यूज़ करेंगे. देखिए अब इसमें ऐसे, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट, सो इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट. सो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंट है? आई एम नॉट, यहाँ पर नॉट है. सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन. अनलेस आंसर दिया है, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट. नेक्स्ट सेंटेंस, The law will protect me against violent retaliation. Choose the correct alternative to use modal auxiliary verbs obligation. Modal auxiliary verbs जो कि can, must, should इस तरह से होते हैं. Obligation यानी compulsion दिखाने वाला modal auxiliary verb होता है must, उसका यूज़ करके सेंटेंस फिर से लिखा जाता है. अब यहाँ पर कहाँ लिख सकते हैं? जहाँ पर ऑलरेडी ये हेल्पिंग वर्ब दिया है उसको निकाल कर must का यूज़ करेंगे, जिस आंसर में दिया है द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, राइट. सो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी सेंटेंस इज गिवन. द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्ल्यू. अब इस सेंटेंस में क्या करना है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म एज ए निगेटिव स्टेटमेंट. और दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव में, जो अफर्मेटिव है उसको निगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो क्या करेंगे? रिफ्यूज यानी refused a positive है, तो did not accept कर सकते हैं. सो did not accept कहाँ है, ये तो did not accept Soapy even as a clue. The policeman didn't accept है, the policeman had never ये तो नहीं होगा, policeman didn't accepted ये भी नहीं होगा. So first one is the correct one. The policeman didn't accept Soapy even as a clue. Right? Next sentence. Don't you think that I might have had something to do with it? अभी जो डबल इंडेडेड कॉमा में दिया जो सेंटेंस है सेड Soapy, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो Soapy दिया हुआ सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा में क्वेश्चन टाइप का है, तो इससे और इसमें डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू इट सेड Soapy. सो Soapy आस्क्ड, Soapy आस्क्ड हर एक जगह Soapy आस्क्ड है. सो इस तरह के सेंटेंस में जो कि एस नो टाइप ऑफ वर्बल क्वेश्चन है, तो इफ़ इनवर्टेड कॉमा डबल इंडेड कॉमा निकाल और इफ यूज करते. एंड द राइट आंसर इज Soapy आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ. सो इस तरह से ये दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ यूर गुड्स इन ट्रांसिट. अभी इस सेंटेंस को चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज आफ्टर प्लस आई एन जी, यानी आफ्टर से शुरुआत करके आई एन जी लगाने. आई एन जी कहाँ लगाते, वर्क को. सो इस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा आफ्टर यू, ये तो गलत है. आफ्टर ऑर्डरिंग, आफ्टर ऑर्डरिंग दो है तो इन दोनों में से एक होगा. आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग एज इट इज लिखना है, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन कॉमा यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. और इस सेंटेंस में ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, अब यहाँ ट्रैकिंग है यू कैन ट्रैक, सो ये चेंज नहीं होना चाहिए. तो दिस वन इज द रॉन्ग, दिस वन इज द करेक्ट. आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन. सो नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ चेंजेस नहीं करना है. नेक्स्ट सेंटेंस दिया है बिग डाटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट प्रोसेस. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द स्टेटमेंट इन निगेटिव सेंटेंस. फिर यहाँ भी निगेटिव सेंटेंस बनाना है. बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट, कॉम्प्लेक्स के अपोजिट क्या होगा, इजी. सो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सैड, लाइक दिस. सो इस तरह से बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट द इजी प्रोसेस, इज नॉट इजी प्रोसेस है. हाँ, बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस. सो विच वन इज द करेक्ट वन, is not an easy process. Next sentence, I camouflaged the hide. Camouflaged a verb है, a subject है, a object है. अब इस sentence को simple present में करना है. Simple present का formula क्या होता है, subject plus verb plus object, main verb होता है V1. Okay, so यहाँ पर past में तो main verb में change करना. I camouflaged the hide. So which one is the correct one? This one. I camouflaged the hide. Okay. Next example. Sentence is given. The langur is the most reliable in finding clues in jungle about predators. Choose the correct alternative that gives the transformation of given sentence in a positive degree. अभी positive degree, comparative degree, superlative degree किस तरह से change किया जाता है positive का comparative, comparative का positive या superlative का positive comparative में, इस तरह से related मैंने एक वीडियो जो कि detail explanation किया है उस वीडियो में, उसका description box में मैंने link दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं. अब ये जो दिया हुआ sentence the langur is the most reliable, the most reliable सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसका पॉजिटिव में एज का यूज किया जाता है. दिस वन इज द राइट आंसर. नो अदर एनिमल, अभी नो अदर का ही यूज क्यों किया है, वेरी फ्यू का भी कभी जो वन ऑफ वर्ड आता है तो वेरी फ्यू का यूज किया जाता है, तो वन ऑफ वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, तो नो अदर का पॉजिटिव डिग्री में. अब ये क्यों किया जाता है वो इसलिए मैंने आपको कहा है कि वो वीडियो आप जरूर देखिए. नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट प्रेडेटर्स इन जंगल. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकैबुलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन आल्सो वॉज टेरिबल. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस. जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस में क्या करना है कि जो एक क्या बोलते हैं हम, एक सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सो राइट आंसर इज आई फेल्ट, I had a very weak vocabulary with terrible pronunciation. So not only is your words निकालना. I had a very weak vocabulary with terrible pronunciation. Next sentence, I felt extremely humiliated. अब इसको क्या करना है? Choose the correct alternative to rewrite the sentence using the noun form of the underlined word. जो underlined humiliated है, इसका noun में change करना है. Humiliated का humiliate से humiliated, humiliate का noun होता है humiliation. So क्या करना है? Right answer है I felt extreme humiliation. I felt extreme humiliation. Next, right. Choose the correct alternative to transform the sentence in simple sentence. अभी simple ये भी जितने sentence हैं उसको simple sentence में convert करना है. I know that he has stolen the necklace. अब ये that का use which, what जो connected words ये जो words होते हैं ये complex type के लिए sentence में use किया जाता है. I know that he has stolen the necklace. अभी simple बनना है. Simple sentence जिसमें सिर्फ एक subject, verb, object होगा. So right answer is I know he stole the necklace. This one is the correct answer. Next sentence, the sword that is made of pure steel is brought from India. ये भी complex का है और simple sentence में होगा the pure steel sword is brought from India. Next, they took the shelter under a building because they were tired by walking. अभी यहाँ पे because का यूज़ किया है, because, that, which, who, what, we, ये जो connected words का अगर जब यूज़ किया जाता है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्योंकि टू और मोर देन टू सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. अभी सिंपल सेंटेंस में राइट आंसर है इसका टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग. टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली डिड हिज टीचर गेव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू. नॉट ओनली का यूज़ किया है. सो सिंपल सेंटेंस and right answer is his teachers and parents gave him enough practice. Next sentence, he was a mere student but he offered to solve the problem. But का यूज़ किया यानी कि compound sentence है और right answer is in spite of. In spite of his being क्यों directly being का यूज़ करके भी कर सकते हैं. In spite of his being a mere student he offered to solve the problem. Next sentence, he must not be absent on or he will be declared fail. और का यूज़ क्या है? यह भी कंपाउंड सेंटेंस है और सिंपल इसका आंसर है सिंपल सेंटेंस में इन द इवेंट ऑफ इज यानी और आता है तो सिंपल सेंटेंस में इन द इवेंट ऑफ का यूज से स्टार्ट किया जाता है. इन द इवेंट ऑफ इज बीइंग अब्सेंट ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, Satish must work very hard to rescue his brother. अभी इन सेंटेंस में क्या करना है? Choose the correct alternative, transform the sentence into compound. अभी नेक्स्ट सेंटेंस हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है जिस सेंटेंस में एंड बट और का यूज़ करना है. ओके, अब इस सेंटेंस में राइट सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर. अब ये कंपाउंड क्या होगा? सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर. नेक्स्ट सेंटेंस, द विटनेस सेड दैट मदर वाज गिल्टी. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. कंपाउंड में जैसे मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस में एंड बट और टू सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए होता है. अभी जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में एंड बट और का यूज़ नहीं किया है. सो हम लिख सकते हैं कि उनमें से जो ऊपर ऑप्शन दिए उनमें से एक ही भी सेंटेंस आंसर नहीं. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं नन ऑफ द अबाव यानी ऊपर में से किसी का आंसर करेक्ट नहीं है. नन ऑफ अबाव. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द सिटीजन्स हु हैव पेड द टैक्सेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. ओके, हु हैव पेड द टैक्सेस. सो इसका भी जब हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर भी क्या कहीं भी एंड बट और का एंड द सिटीजन्स पेड द टैक्स एंड गेट रिस्पेक्ट ये दिया है लेकिन ये भी आंसर राइट नहीं. सो नन ऑफ अबाउट द आंसर उनमें से किसी का एक भी आंसर राइट नहीं है. सो यहाँ पर एंड बट और का होना चाहिए. द इंटरव्यूअर वॉज एनॉयड दैट ही हैड नॉट आंसर्ड हिज क्वेरीज. कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड में होगा द क्वेरीज वेर नॉट आंसर्ड एंड the interviewer was annoyed. Next sentence, I was surprised when I heard him reveal the secret. Complex है and यहाँ पर भी कहीं भी कंपाउंड सेंटेंस जिस जहाँ पर एंड बट और का यूज़ किया जाता है नहीं है, इसलिए नन ऑफ अबाव यानी ऊपर में से किसी भी सेंटेंस ऑप्शन आंसर या नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अभी यहाँ पर क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल में देखा, कंपाउंड में देखा, अभी दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सेंटेंस इज गिवन लाइक दिस, सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। अब कंपाउंड है, अभी जब कंपाउंड में किया जाता है जब एंड का यूज होता है जो वर्ब है इसको आईएनजी लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आंसर है इफ़ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू, या हम इस तरह से कर बाय सर्चिंग रूम यू विल फाइंड द क्लू, ऐसा भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस्ड बट इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली। एंड यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाँ यहाँ में इसी में से कुछ भी नहीं है। सो नन ऑफ अबाव दी। सम करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फ्रेम अ डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन आंसर। सम थग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन। अभी यहाँ पर क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन आंसर। जो सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है उसको आंसर मिलने के लिए हमें एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए अभी इसी के लिए हर एक टॉपिक के रिलेटेड में सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि वहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, उसके रूल्स एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया। अभी यहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड लिया जाता है, जो कि व्हाट डब्ल्यूएच वर्ड लिया जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब, ओके हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, उसके बाद उस सेंटेंस में का सब्जेक्ट, देन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अभी इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे सम थग्स ट्राइड, ये थग्स यानी चोर मान सकते, ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन। कुछ थग्स उसका गोल्ड चेन स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे, जो अंडरलाइन पार्ट छोड़कर क्वेश्चन बनाना है, सम थग्स ट्राई टू स्नैच, कुछ लोग स्नैच करने की कोशिश के लिए क्या हर चेन, क्या का मतलब क्या है, तो व्हाट। सो डब्ल्यूएच वर्ड हमें क्या मिला, व्हाट। उसके बाद इसी में से हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या ले लेंगे, डू, डज, डिड। कौन से टेंस में, ट्राइड पास्ट में, सो डिड, व्हाट डिड। अब यहाँ पर डिड है, यहाँ पे डिड है, देन वर्ब, डिड के बाद जो वर्ब है वो मेन वर्ब में चेंज होगा। व्हाट डिड सम थग्स ट्राइड, अब यहाँ ट्राइड है, व्हाट डिड सम थग्स ट्राई। ओके, हेल्पिंग वर्ब लिया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सो राइट आंसर इज व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच। ओके, नेक्स्ट, अरुणिमा वॉज रिट्रेन्ड एज ए माउंटेनियर, रिट्रेन्ड एज ए माउंटेनियर। सो राइट आंसर इज व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन्ड एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। अभी एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन, एक बैटल की शुरुआत हो चुकी थी, कहाँ पर, इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर, यानी वेन से शुरुआत करेंगे, वेयर, कहाँ पे, वेयर। सो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड क्या हैड, वेयर हैड। ओके, वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन, वेयर हैड एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। नेक्स्ट, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से, आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की, रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट, मैंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरुआत की, कैसे, हाउ। सो हाउ डिड आई स्टार्ट, समझ में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब ने इसलिए डिड लिया, पास्ट में है, हाउ डिड आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, इशिता इन्वाइट्स माई फैमिली मेम्बर्स ऑन माई बर्थडे फॉर सेलिब्रेशन। इशिता ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट्स किया उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, कब, व्हेन। सो वैन से लग गया, वैन डज इनवाइट्स प्रेजेंट टेंस में है, एस लगा है सो डज, वैन डज इशिता सब्जेक्ट इनवाइट माय फैमिली मेंबर फॉर सेलिब्रेशन. सो इस तरह से WH क्वेश्चन यहाँ पर हम बना सकते हैं. अभी याद दिया है चूज द अल्टरनेटिव टू मेक अ सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव, फिर से एक्सक्लेमेटिव टाइप सेंटेंस जैसे मैं शुरुआत में बहुत बताया था. यू परफॉर्म द वेरी एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर, यू परफॉर्म ए सब्जेक्ट और वर्ब तक अंडरलाइन करना है, इसमें से वेरी को कट करना है, ए और एन आता तो व्हाट से शुरुआत करने, नहीं तो हाउ से. अंडरलाइन किया हुआ पार्ट एंडिंग में लिखेंगे. सो हाउ एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स है क्या, हाउ एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ विजिटर्स ये भी नहीं है. यू परफॉर्म्ड, लास्ट में यू परफॉर्म चाहिए, यू परफॉर्म्ड. So this one is the correct option. How energetically in front of the visitors you perform. Next, you have naturally a very romantic book. You have narrated. Very को निकले. What a romantic book. What a romantic book you have narrated! Exclamation marks. Next example. Choose the correct alternatives to make given sentence negative. Sunita is the most loyal employee of our firm, and right answer, no other employee of our firm is as loyal as Sunita. Next sentence, as soon as he entered the room he noticed the unusual presence. as soon as का निकाल कर no sooner than का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते. no sooner, अभी no sooner का as soon as का यूज, no sooner का यूज, hardly had, when का यूज, इसी के रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देखिए. no sooner did he enter the room than connected was, यहाँ पर कॉमा निकाल कर than. next sentence as it is, he noticed the unusual presence. नेक्स्ट सेंटेंस अभी यहाँ पर स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस में से जो एरर है, जो रॉन्ग है, जो मिस्टेक है, उसको रिकरेक्ट करके लिखना है. जैसे कि द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर, द नंबर सिंगुलर है, सो ये डू नॉट की जगह डज नॉट चाहिए, द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर. नेक्स्ट, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द ट्रिप, नो नो नो, आई एम लाइकिंग, नो आई लाइक टू सी, क्या चाहिए, आई लाइक टू सी, सो यहाँ पर गलत है. I never forgets the given responsibility. I never forgets नहीं होता है. I never forget इसको निकालना है. He has often asked me to think before. He has often asked, past में है, present perfect में asked यहाँ पर ed होना चाहिए. Okay. No sooner did I challenged, did जब आता है तो यहाँ भी मेन वर्ब आता है तो ईडी निकालना है. नो सुनर डीड आई चैलेंज होना चाहिए. नेक्स्ट, वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या चाहिए, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है. आई एंटर्ड द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट, नो नो नो, फॉर सर्च नहीं, टू सर्च, यहाँ पे क्या चाहिए, टू सर्च द डॉक्यूमेंट, टू चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेविंग द, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेविंग द अर्थ, तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू सेविंग, टू सेव द अर्थ. Next, I usually asks my employee to be punctual in their task. Usually ask yes निकालना है. The training came to an end before you left the city. The training came to an end before. The training came to an end. अभी देखिए डायरेक्टली, अभी इसका आंसर डायरेक्टली देखेंगे जहाँ पर आपको समझ में आएगा. Okay. चालू किती आहे, 11 आहे, द ट्रेनिंग हॅड कम टू ॲन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, नेक्स्ट है इफ़ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या दिया था, इफ़ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड तो आई विल एक्सेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द मैनेजर वॉज लुकिंग इनटू द मिसिंग फाइल। द मैनेजर वॉज लुकिंग इनटू द नहीं तो क्या चाहिए, द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल। ओके नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी इज मोर टॉलर दैन ऑल हर ब्रदर्स इन द फैमिली। तो ऐसे नहीं, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, टॉलेस्ट चाहिए, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, राइट। नेक्स्ट ही सेड ही डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट के बाद वांटेड नहीं आएगा तो ईडी निकल के जाएगा, तो क्या होगा ही डिड नॉट वांट, राइट। और लास्ट सेंटेंस द मैंगो, मैंगो इज द बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट नहीं होता द बेस्ट होता है, राइट आंसर इज द मैंगो इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। सो इस तरह से वी हैव टू फाइंड आउट द एरर ऑफ गिवन सेंटेंस एंड रीराइट इट। एरर यानी उसमें से गलती ढूंढ कर उस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना पड़ता है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अभी इसी क्वेश्चन बैंक, अभी इसके लिए पीडीएफ जो है एग्जाम्पल और इसका आंसर के पीडीएफ मैं वेबसाइट उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रिमेनिंग जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है इस क्वेश्चन बैंक में से नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप यू माइट have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.